हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि सेक्स करने के दौरान क्या पेन होना नॉर्मल है। तो जी हाँ, ये नॉर्मल है, क्योंकि किसी किसी लेडीज को सेक्स के दौरान काफी ज्यादा पेन होता है, किसी को कम होता है। और जैसे अगर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो डेफिनेटली पेन होता है, क्योंकि वजाइना का साइज होता है वो काफी नैरो होता है और इस एक्टिविटी के लिए लेडी यूज टू भी नहीं होती है। इसके साथ ही साथ यदि वजाइना के आगे जो हाइमेन होता है अगर वो नैरो है, थिक है, या पेनिट्रेशन जो हो रहा है वो काफी ज्यादा फोर्सफुल है, तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति में भी पेन हो सकता है। कई बार हाइमन के थिक होने के कारण या उसकी ओपनिंग खुली हो नहीं होने के कारण कई बार उसमें फट जाता है, तो कई बार ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। या वजाइना का साइज कम होने के कारण यदि कई बार फोर्सफुल इंट्रैक्शन होता है तो नीचे की तरफ वजाइना में नीचे की तरफ टीयर हो जाता है, यानी कि फट जाती है, जिससे कि पेरिनियल टीयर बोलते हैं, और उसमें भी बहुत ज्यादा पेन होता है, ब्लीडिंग भी हो जाती है। अगर इन सब चीजों को हटा दिया जाए, उसके साथ ही साथ ये देखा जाए कि सेक्स करने से जो स्टिमुलेशन हो रहा है या इंटरकोर्स के दौरान जो स्टिमुलेशन के कारण जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, तो यूट्रस में और पेल्विस में जो कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट होते हैं जो कि ऑर्गेज्म को लीड करते हैं, उसके दौरान भी पेन होता है। क्योंकि जब भी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो काफी पेनफुल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको नॉर्मल इंटरकोर्स के दौरान भी पेन हो सकता है। और इसके साथ ही साथ यदि आपका फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में या थोड़े से रिलेशन आपके नए हैं तो डेफिनेटली पेन हो सकता है। अब यदि आप पुराने हैं, ऑलरेडी आप काफी लंबे समय से सेक्सुअल एक्टिविटी में हैं, तो जनरली वजाइना थोड़ी सी लूज हो जाती है और इंटरकोर्स करना इजी हो जाता है। बट ऐसी स्थिति में भी यदि आपको पेन महसूस हो रहा है तो डेफिनेटली हो सकता है कि वहां पे इन्फेक्शन हो गई, पर वजाइनाइटिस इन्फेक्शन के चलते भी आपको पेन होता है, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण वहां पे सूजन और रेडनेस होती है, और जैसे ही इंटरकोर्स की एक्टिविटी होती है फ्रैक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण पेन क्रिएट होता है। और किसी किसी लेडीज को बहुत डीप सीटेड पेन होता है, यानी कि पीओडी में, यानी पोस्ट पाउच ऑफ जो डगलस होता है, बच्चेदानी के जो रास्ते का बिल्कुल डीप हिस्सा होता है, वहां पर डीप पेनिट्रेशन पर यदि पेन होता है तो कई बार एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। क्योंकि जब भी यूट्रस के जो फेलोपियन ट्यूब से ब्लड निकल कर आता है तो बच्चेदानी के वो पिछले वाले हिस्से में, यानी कि इस हिस्से में आकर डिपॉजिट होता है यहाँ से ब्लड आकर, और कई बार यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस की नोड्यूल बन जाती हैं। और जब इंटरकोर्स यहाँ वजाइना में होता है तो इस हिस्से में नोड्यूल डिपॉजिट होने के कारण यहाँ पे काफी ज्यादा पेन होता है। इसको एंडोमेट्रियोटिक पेन बोला जाता है, या रेक्टोवजाइनल नोड्यूल के होने के कारण पेन क्रिएट होता है। इसके साथ ही साथ कभी वजाइनल वॉल के अंदर किसी प्रकार का कोई ट्यूमर, इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकता है, जिसकी वजह से पेन क्रिएट हो सकता है। और इसके अलावा यदि यूट्रस और ओवरीज में किसी प्रकार का कोई बीमारी है, जैसे कि कोई फाइब्रॉइड है या ओवेरियन सिस्ट है या कोई सल्पिंजाइटिस है या पीआईडी का कंपोनेंट है, तो ऐसी स्थिति में भी पेन क्रिएट होता है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल अवस्था में सिर्फ एक्साइटेशन के कारण पेन होता है, बाकी एस एच पेन नहीं होता है। या फिर आप थोड़े से न्यू कमर हैं, आपके रिलेशन से भी नए हैं, तो पेन हो सकता है। बाकी यदि आपको और किसी कारणवश पेन हो रहा है, यानी कि आप नए नहीं हैं और आप यूज टू हैं एक्टिविटी के लिए, उसके बाद आपको पेन हो रहा है, तो डेफिनेटली देयर शुड बी अ पैथोलॉजी, यानी कि कोई ना कोई बीमारी है। तो ऐसे स्थिति में फिर आपको डॉक्टर के पास जाकर एक बार चेकअप करवाना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि आपको आखिर पेन क्यों हो रहा है। क्योंकि यूजुअली पेन नहीं होता है और अब पेन हो रहा है तो देयर शुड बी सम पैथोलॉजी, और उस पैथोलॉजी को पता करने के लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट का एक विजिट करना चाहिए, जिससे कि वो नीचे के एरिया को पूरा एग्जामिन कर ले, अंदर भी जो पर्सपेक्युलम एग्जामिनेशन होता है उजाड़ डाल के जो देखा जाता है, जिससे कि सर्विक्स के उसके आसपास के एरिया को एग्जामिन कर लिया जाता है, और एक सोनोग्राफी कर ली जाती है, जिससे अंदर बच्चेदानी के अंदर या आसपास के एरिया में कोई ट्यूमर, सिस्ट या कोई बीमारी ना हो, वो उसे पता चल जाता है। जैसे ही आपको बीमारी का पता चलता है आपको उसका तुरंत इलाज करवा लेना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर आपको किसी बड़ी समस्या का समाधान ना करना पड़े। यदि आपको भी इसी प्रकार की कोई समस्या है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं, और यदि आप यहाँ नहीं लिखना चाहती हैं तो हम स्क्रीन पर दिए गए जो हमारे व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर है वहाँ भी आप हमसे बात कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, और अपना अगर नाम और नंबर हमें आप प्रोवाइड कराते हैं तो हमारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट आपको फोन कर आपसे समस्या को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।